श्री राम मित्रों, मैं सीमा रविला, मेरे चैनल माँ की रसोई पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं राज कचौरी का नया वर्जन ओट्स बाइट। हमने मैदा का यूज़ नहीं किया है, हमने इसको हेल्दी और टेस्टी बनाया है, इसीलिए हमने आटे में हमने ओट्स का आटा यूज़ किया है और स्प्राउट को बनाया है और भी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने ओट्स को घर में पीस के इसका आटा बनाया है। ये आटा आपको मार्केट पे भी आसानी से मिल जाएगा और हमने लिया है साथ ही गेहूँ का आटा। इतना ही हमने लिया है ओट्स का आटा और इतना ही गेहूँ का आटा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच, आधी चम्मच हमने लिए है काली मिर्च और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 टेबल स्पून घी, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है इसे और हेल्दी बनाने के लिए। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। घी को हमने गुनगुना किया है तो 2 टेबल स्पून हमारा पिघलने के बाद में 4 से 5 चम्मच घी बन गया है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। और आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है उसमें सारे आटे में घी अच्छे तरीके से मिल जाए। और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस आटे को बनाएंगे जैसे कि पूरी का आटा बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओट्स का आटा है, ओट्स थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेता है, बहुत थोड़ा सा नॉर्मल आटे के मुकाबले, तो उसी हिसाब से पानी को डाल के आटा बनाइए ताकि ये बाद में फूल के अच्छे से तैयार हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए ज़्यादा पानी का मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। तो एक अच्छा सा पूरी वाला डो बना के हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए अच्छा सा आटा तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है ये सारी चीज़ें जो हम इस स्प्राउट में डालने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये ओट्स जब हम तैयार करेंगे मसाला डाल के तो बहुत टेस्टी हो जाएगी। यहाँ पर लिया है हमने अनारदाना, नमक और काली मिर्च, हरा धनिया, आलू, पनीर, मिक्स ड्राई फ्रूट और सेब के पीसेस, और लिया है खीरा, बीटरूट, टमाटर, फ्रेश कोकोनट, हरे धनिया की चटनी। और यहाँ पर हमने दही को फेंट के रखा हुआ है और हमने ली है इमली की चटनी। यहाँ स्प्राउट में है चने, मूंग और मोठ, हमने इसको अच्छे से अंकुरित करके रखा हुआ है। अब हम इसमें सब चीज़ें अभी मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, ये हमारा एक बड़े वाला बाउल जो है ओट्स है, और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती, ये ड्राई फ्रूट जो हमने भिगा के रखे थे, ये हमने लिया है इसके अंदर अखरोट। आप चाहें तो इसे तोड़ के डाल लीजिए, छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, या फिर आप साबुत भी डाल सकते हैं। आलू और पनीर, अनारदाना, आप यहाँ पर सीज़न का और अपने टेस्ट का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जैसे संतरा या कीवी। अब इसमें डाला सेब, खीरा, बीटरूट, सभी को छोटे पीसेस में काटा है। टमाटर, आप इसमें प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश कोकोनट, हरा धनिया चटनी, हम अलग से किसी कोई भी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे काली मिर्च के अलावा, क्योंकि हमारी चटनी अच्छी स्पाइसी है, इसमें हरी मिर्च, अदरक सब चीज़ों का यूज़ हुआ हुआ है। और इमली की चटनी में भी लाल मिर्च और काली मिर्च का यूज़ हुआ हुआ है। अभी हम स्प्राउट इस तरीके से तैयार कर लेंगे, या बच्चों और बड़ों किसी को भी इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी यमी हमारा स्प्राउट तैयार हुआ है। और इसको बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम इस आटे की बनाएंगे पूरियाँ। ये देखिए आटा हमारा, कहते हैं कनी गलना, आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ सरफेस पे हल्का सा ऑयल लगा के हम इस आटे को 5 मिनट के लिए अच्छे से मलाई कर लेंगे ताकि हमारा आटा जो है बहुत लोचदार हो जाए और पूरी हमारी बनके अच्छे से तैयार हो। अब छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे अपने पसंद के अनुसार। यहाँ पर एक पॉलीथीन पे हल्का सा घी लगा के इसे चिकना कर लेंगे। इसके अंदर हम पूरी की लोई रखने वाले हैं और बढ़िया सी पूरी तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक छोटी लोई और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और अब बेलन से इसको बेलेंगे। हर तरफ से एक समान बेलते हुए, यानी कि इक्वल बेलते हुए इस पूरी को तैयार करेंगे। कहीं से मोटी या पतली नहीं, ना किनारे ना बीच, एकदम बढ़िया से पूरी को बेल के तैयार कर लेंगे इक्वल। और ये पूरी हो गई तैयार। ये देखिए
अच्छे से पूरी बन के तैयार हो गई है और घी भी हमारा गर्म है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पूरी को बनाएंगे बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, पहले हम मीडियम और उसके बाद में हम इसे सिम फ्लेम पर बनाएंगे। ऐसे हल्का हल्का सा घी डाल के पूरी को सेक लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करके बहुत हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके किनारे भी अच्छे से सिक जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे खस्ता करारी पूरी बना लेंगे। तो ये पूरी हमारी सिक के तैयार हो गई। यहाँ पर हमने एक प्लेट के अंदर रखा हुआ है एक स्टैंड, जिससे हमारी पूरियों को हवा लगे और हमारी पूरी खस्ता करारी बनी रहे। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी सारी पूरी तैयार हो गई, एकदम खस्ता करारी पूरी। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए और हवा लगा सकते हैं। अब हम पूरी के बीच में करेंगे होल और जो हमने स्प्राउट तैयार करके रखे हैं अब हम इसमें डाल देंगे। अब इस तरीके से बच्चों को हम जब सर्व करेंगे तो बच्चों को खाने का मन करेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो गई हमारी ओट्स पाई, जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है। यहाँ पर दही में हमने हल्का सा नमक और चीनी को डाल के रखा हुआ है पहले से। हरी चटनी, इमली की चटनी, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से अनारदाने के साथ हम इसे कर लेंगे गार्निश। तो बढ़िया सी ओट्स बाइट बन के हो गई तैयार, जो बच्चों को, बड़ों को, सब हर उम्र के बच्चों को और बड़ों को बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अच्छी सी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।